हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। ओके किड्स, दिस इज आवर इंग्लिश सब्जेक्ट। सो किड्स, आप लोग अपनी इंग्लिश की बुक निकालेंगे और पेज नंबर 38 ओपन करेंगे फॉर द लेसन 6। ओके, दिस इज अ लेसन 6, द पीपल इन माई नेबरहुड। ओके स्टूडेंट, तो बेटा हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और इसमें हम लोगों ने 1 पैराग्राफ कम्प्लीट कर लिया है। ओके किड्स, तो बेटा आज हम लोग 2nd पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। मूव ऑन नेक्स्ट पेज, दिस इज योर 2nd पैराग्राफ। ओके किड्स, तो आई होप आप लोगों ने बेटा अभी तक अपनी बुक ओपन कर ली होगी और पेज नंबर 39 भी ओपन कर लिया होगा। सो आप लोग बेटा मेरे साथ रिपीट करेंगे और इसका प्रोनंसिएट करना सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द पेपर बॉय साइकल्स डाउन द स्ट्रीट through wind or rain or cold or heat with newspapers and fancy magazines too, the latest news for me and you. Okay, once again, the paper boy cycles down the street through wind or rain or cold or heat with newspapers and fancy magazines too, द लेटेस्ट न्यूज फॉर मी एंड यू। ओके किड्स, तो बेटा पेपर बॉय कौन होते हैं? पेपर बॉय कौन व्यक्ति होते हैं? ये वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, फैंसी मैगजीन्स लेकर आते हैं। ओके, चाहे कोई भी सीजन हो, चाहे विंड हो, चाहे रेन हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे गर्मी हो, कोई भी सीजन हो, ये हमारे लिए क्या लेकर आते हैं, न्यूज़पेपर्स लेकर आते हैं, फैंसी मैगजीन्स लेकर आते हैं, द लेटेस्ट न्यूज फॉर मी एंड यू, और नवीनतम समाचार लेकर आते हैं हमारे लिए और आपके लिए आते हैं। और किस पर सवारी करके आते हैं बेटा? ये साइकिल्स पर सवारी करके आते हैं। ओके, सड़कों पर साइकिल पर सवारी करके हमारे और आपके लिए लेटेस्ट न्यूज और फैंसी मैगजीन्स लेकर आते हैं। ओके, तो ये हमारे कौन होते हैं बेटा? हम लोगों ने 1st पैराग्राफ में डिस्कस किया था, ये हमारे कौन होते हैं? ये हमारे नेबरहुड होते हैं। ओके किड्स, ओके बेटा, तो हम लोग बेटा इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे। आप लोग पेज नंबर 40 ओपन करेंगे। पेज नंबर 40 पर एक्सरसाइज नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। ओके किड्स, तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। ये आपके लिए मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। सो स्टार्ट करते हैं। द पेपर बॉय ब्रिंग्स द लेटेस्ट न्यूज फॉर राइडिंग अ बाइसिकल। ओके, पेपर बॉय क्या करता है बेटा? लेटेस्ट न्यूज पेपर लेकर आता है हमारे लिए और किस पे सवारी करके आता है? बाइसिकल पर। नंबर 2, द मिल्क मैन कम्स विद कैंस ऑफ मिल्क। मिल्क मैन क्या करता है किड्स हमारे लिए? अपने कैंस में हमारे लिए मिल्क लेकर आता है। ओके, नंबर 3, द पोयर्स मदर यूजेस मिल्क फॉर मेकिंग टी एंड कॉफ़ी। पोयर्स की जो मम्मा है, पोयर्स की जो मदर हैं, वो बेटा मिल्क का यूज क्या बनाने के लिए करती हैं? टी एंड कॉफ़ी बनाने के लिए मिल्क का यूज करती हैं। ओके नेक्स्ट, द कॉबलर मैन शूज टू मेक देम लुक न्यू। कॉबलर क्या करता है बेटा? मेंड्स करता है। मेंड्स मीन्स क्या होता है? रिपेयर्स। आप लोगों को बेटा वर्ड मीनिंग में ये बताया गया था ना, मेंड्स मीन्स रिपेयर, मीन्स मरम्मत करना। कॉबलर मेंड्स शूज टू मेक देम लुक न्यू। कॉबलर क्या करता है? ये हमारे शूज की मरम्मत करके उसको नया लुक देता है। नंबर 5 एंड लास्ट, ही टैप्स एंड स्टिच द सूज द होल डे। और क्या करता है कॉबलर? ही किसके लिए यूज किया गया है? कॉबलर के लिए। कॉबलर और क्या करता है? उसे टैप्स करता है, उसकी सिलाई करता है, उसकी सिलाई होल डे करता है, पूरे दिन उसकी सिलाई करता है। ओके, ताकि हमारा सूज नया लगे। ओके किड्स, तो आप लोगों को बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंप्लीट करने के साथ साथ आप लोग इसे लर्न भी करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए गुड डे।